वहीं एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 28 वर्षीय युवक ने खुद को तमंचे से गोली मार ली। उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लहूलुहान अवस्था में देखकर चीखते चिल्लाते परिजनों ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया। पुलिस सूत्रों की माने तो युवक के घर में हुई कहासुनी से नाराज युवक ने सिर में अपने गोली मार ली। घायल युवक 28 वर्षीय गुड्डू पुत्र कमल सिंह निवासी नगला पुड़िहार का बताया गया। एटा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित गांव नगला पुड़िहार का मामला है। आइए सुने इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने क्या कहा। व्यक्ति के गोली लगी है संदिग्ध परिस्थितियों में, क्या है पूरा मामला, किन कारणों से गोली लगी सर? आज प्रातः कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि नंगला पाते गांव में गुड्डू, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, पारिवारिक कलह के चलते खुद को गोली मार लिया है। परिजनों द्वारा इसको तत्काल पुलिस को सूचना नहीं दी गई, उसे सीधे हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन जानकारी करने पर बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है और कुछ मानसिक रूप से परेशान था। घटना की गहनता से छानबीन की जा रही है। क्या स्थिति है सर अभी उसके?